नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके से मशरूम मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी और आज के लाइक का गोल रखते हैं 500। तो आज के मशरूम मसाले बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे एक पैकेट मशरूम, और मशरूम को दो टुकड़ों में यहाँ पे मैंने काट लिया है। देखिए, मशरूम आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले मशरूम को मैंने 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया है। अब हम मशरूम में डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1.5 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन आप ज़रूर डालिएगा, इससे जो मशरूम मसाले का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मशरूम में मिक्स कर लेंगे। तो हाथ से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मशरूम में मैंने मसाले मिक्स कर लिए हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 1/4 कप तेल, और तेल को पहले गरम कर लेंगे। अगर आपको तेल ज़्यादा लगे तो आप तेल कम करके ले लीजिएगा। तेल जैसे ही गरम हो जाए हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी के, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, साथ ही हम डालेंगे 5-6 ब्लैक पेपर, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच साबुत जीरा। गैस का फ्लेम लो रख के हम फ्राई कर लेंगे, और जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके। प्याज को अब हम फ्राई करेंगे प्याज के कलर चेंज हो जाने तक। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम करके प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे 2 हरी मिर्च ऐसे मोटे टुकड़ों में काट के, और साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ये मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे मशरूम का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। बस हम मिक्स करके डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। जार में थोड़ा सा पानी डाल के हम डाल देंगे मसाले में, और मसाले को 5-6 मिनट तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। फ्रेंड्स, आपने बहुत तरीके से मशरूम बनाए होंगे, एक बार सिर्फ इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, एकदम घर के मसालों से जो हमारे घर में हमेशा होते हैं। 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हो मसाले अच्छे से भून चुका है, साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। अब हम डाल देंगे मशरूम, साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा आप देख सकते हो मसाले लगा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के बाउल में हम डाल देंगे यहाँ पे पानी भी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें लो पे रखना है, और ढक के पकाना है मशरूम को 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक मशरूम हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। मशरूम को ढक के पकाने से काफ़ी एक्स्ट्रा पानी निकलते हैं, तो उसी से मशरूम हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो बीच बीच में हम चलाते हुए 7 से 8 मिनट मशरूम को ढक के पकाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, पैन को कवर कर दीजिए, और बीच बीच में एक एक बार चेक भी करते रहिएगा। 7 से 8 मिनट हो गए और मशरूम हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और आप देख के समझ सकते हो ये मशरूम खाने में कितना टेस्टी होगा। लास्ट में हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया। बस हम अच्छे से 1 मिनट मिक्स करते हुए ड्राई कर लेंगे, और आप बीच बीच में खोल के बार बार स्पैचुला से चलाते भी रहिएगा, नहीं तो बेसन है कढ़ाई में बहुत ही जल्दी से चिपक जाती है। धनिया पत्ते डाल के 1 मिनट मैंने खोल के मशरूम को और पका लिया है। तो हमारा मशरूम मसाला बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और मशरूम को सर्व कर लेंगे हम एक प्लेट में। और जितना आपको ये देखने में टेस्टी लग रहा है, खाएंगे ना एक बार
इसी तरीके से बार बार बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा खाने में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी खाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।